हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करना चाहूँगा दो सीरीज़ के बारे में जो मैंने अभी फ़िलहाल में देखी है। जो पहली सीरीज़ है उसका नाम है मुंबई डायरीज़ 2611। तो ये जो सीरीज़ है ये उस बारे में है जब 2008 में मुंबई में कुछ हमले हुए थे अलग अलग जगहों पर, जिसमें एक हॉस्पिटल और एक होटल भी शामिल था। तो ये जो सीरीज़ जो प्राइमरीली जो इसमें दिखाए गए हैं, जो सीन दिखाए गए हैं, वो होटल और हॉस्पिटल के ज़्यादा दिखाए गए हैं, हॉस्पिटल के जिसमें कि ज़्यादा दिखाए गए हैं। तो सीरीज़ में जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या चल रहा था अटैक से पहले, हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर्स थे, कौन कौन से नए छात्र आ रहे थे डॉक्टर की पढ़ाई सीखने के लिए, और मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनके आपस में क्या व्यवहार है उनका आपस में, और उनके आपस में कैसे रिलेशंस कैसे हैं इस बारे में, फिर हॉस्पिटल के बाद वो किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं, हॉस्पिटल को कैसे लेके चलते हैं, और हॉस्पिटल में जब पुलिस आती है तो उसके बाद क्या होता है। तो सीरीज़ में पूरे अटैक्स के बारे में दिखा रखा है कि कैसे टेररिस्ट जो होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं, और फिर किस तरीके से डॉक्टर जो हैं वो मैनेज करते हैं। दूसरी तरफ होटल के बारे में भी दिखाते हैं, पर होटल के जो सीन्स हैं वो रिलेटिवली कम है और हॉस्पिटल के सीन्स बहुत ज़्यादा है। जो मैंने दूसरी सीरीज़ देखी थी वो देखी थी ब्रीद इन टू द शेडोज़, स्टारिंग अभिषेक बच्चन एंड और भी एक थी एक एक्ट्रेस का मुझे नाम नहीं याद। तो ये जो सीरीज़ है इसमें अभिषेक बच्चन का दिखा रखा है कि वो कैसे मल्टीपल पर्सनैलिटी का दिखा रखा है उसमें, कि जो अभिषेक बच्चन है कैसे उसमें उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब उसे एक तरीके का ये मतलब मानसिक बीमारी कह लो एक तरीके की, ये होती है कि इसमें एक जो इंसान है वो दोहरे चेहरे या फिर एक से ज़्यादा व्यक्तित्व लेके चलता है, वो मतलब वो एक पल में कुछ और है और दूसरे पल में कुछ और है। तो जो सीरीज जो सेकंड वाली थी ब्रीद इन टू द शेडोज़, ये जो है टोटली बिंज वॉच्ड है। बिंज वॉच का मतलब होता है कि मतलब जैसे आपने अपने आप को एक एपिसोड अगर आपने किसी सीरीज़ का देख लिया, फिर आप अपने आप को रोक ना पाओ और सारे एपिसोड्स ख़त्म करके ही मानो उस सीरीज़ के, मतलब एक साथ ख़त्म कर दो आप, या फिर मतलब जल्दी जल्दी से आप मतलब एपिसोड आपको, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इतना उसमें आपको इतना थ्रिल आ रहा है देखने में कि आप मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो और एपिसोड्स आप जल्दी से ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा सीरीज़ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग, या उसमें कह लूँ कि आपको कुछ मिस्ट्री दिख रही है एंड में कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मतलब एक सस्पेंस एक बना हुआ है, तो इसे हम कहते हैं कि बिंज वॉचिंग। तो ये जो दो सीरीज़ जो मैंने देखी, मैंने अमेज़ॉन प्राइम पे देखी हैं अभी फ़िलहाल में कुछ टाइम पहले, तो देखिए आप भी और बताइए अपना एक्सपीरियंस कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सीरीज़ को देखने के बाद। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।